मध्य प्रदेश सरकार वैसे तो प्रदेश के छात्र छात्राओं को हर प्रकार की सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके लिए लाखों करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य बन सके। लेकिन जब छात्रों के भविष्य पर भ्रष्टाचार का पंजा मंडरा रहा हो तो हम सोच सकते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धार जिले के बाकी, जहाँ कस्तूरबा गांधी छात्रावास में 100 लड़कियाँ रहती हैं और अपनी पढ़ाई करती हैं, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि खाना सही से नहीं मिलता, साथ ही हॉस्टल अधीक्षिका का व्यवहार भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आज हॉस्टल की कई लड़कियों ने धार कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत की और बताया कि हमें हॉस्टल में कच्ची रोटियां मिलती है, सब्जी में पानी ही पानी होता है, मैडम कई दिनों तक हॉस्टल से गायब रहती है, हमारी समस्या कोई नहीं सुनता है। अगर वाकई में हॉस्टल की लड़कियों की इस प्रकार की समस्याएं हैं तो अधीक्षिका क्या कर रही है, या फिर हॉस्टल अधीक्षिका खुद मिलकर लड़कियों के लिए हिस्से का निवाला डकार रही है और सरकार द्वारा आने वाले पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। देखिए धार से हमारे संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। श्रीमती ममता अच्छा, ये कौन सा हॉस्टल है? कस्तूरबा गांधी बालिका। तहसील कौन सी है? अब ये बताओ कि जैसे कि आपको क्या क्या सुविधा नहीं मिलती है वहाँ छात्रावास में? हमको हॉस्टल में खाना अच्छा से नहीं मिलता है और जो 9th 10th की लड़कियाँ हैं उनको साबुन तेल ठीक से नहीं मिलते, एक एक साबुन मिलता है और खाना ठंडा देते हैं शाम को छोटी लड़कियों को जो 9th 10th की उनको, और चादरें जो है वो उनको फटी हुई मिलती है, बोलते कि तुम्हारे लिए नहीं आई है, 10th और 12th और 11th वालों के लिए आई है, और कोचिंग का बोलते तो तुम घर से लगाना कोचिंग और मेरे पास मत आना करते। अच्छा, ये मैडम समय पे आती है नहीं आती? मैम समय पे नहीं आते हैं और 4-8 दिन के बाद आते हैं, और जो लड़कियां बीमार हो जाती हैं उनके लिए दवाई गोलियां की व्यवस्था भी नहीं है। इसकी शिकायत किसको की है? और नाश्ते में तो कोई कोई मिलती, अभी तक हमने कुछ भी उसके अलावा कुछ भी नाश्ते में नहीं करा, आज चाहे और आज तो नाश्ता भी नहीं मिला हमको। चलो ये बताओ कि तुम कहाँ से आए, कौन से साधन से आए हैं? हम तूफान से आए हैं और खुद के पैसे से कलेक्ट करके। तो आपने अपने माता पिता को बताया है? हमारे माता पिता को बताए पर वो पढ़े लिखे नहीं है तो इतने समझते नहीं है। आप हॉस्टल से परमिशन लेके आए? हॉस्टल से किसी से परमिशन नहीं लिया, ऐसे ही आ गई हैं। मैम तो नहीं आते तो हम किससे परमिशन ले, जब हम मैम को बोलते तो मैम हमारी समस्या हल ही नहीं करते, जब वहाँ पे लाइट भी नहीं। अच्छा, एक बार नाम बता दो आपका। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।